हेलो फ्रेंड्स, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मधुसूदन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी औषधि के बारे में जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अश्वगंधा की। अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है जो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों में काम करती है, आपके शरीर को एनर्जेटिक बनाती है। जो लोग बीमार हैं वो भी इसका सेवन कर सकते हैं और लोग जो हेल्दी है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों की क्वेरी होती है कि इसे लिया कैसे जाए, कितनी मात्रा में लिया जाए, कैसे लिया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसका कार्य सुन लीजिए। अश्वगंधा का जो मेन काम होता है, ये हमारे नर्वस टॉनिक, एक नर्वाइन टॉनिक के तौर पे काम करता है। हमारे नर्व्स को मजबूत करता है, हमारे दिमाग को मजबूत करने में हेल्प करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है और हमारे दिमाग को शांत रखता है, आपकी याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है, बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये सब इसके काम हैं और आप इसे लेने के लिए ये दो तरह की फॉर्म में आप ले सकते हैं। चाहे तो आप इसका पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आप पाउडर फॉर्म में इसे लेना चाहते हैं तो उसकी डोज होगी 5 ग्राम सुबह शाम। अगर आप दूध के साथ इसका सेवन करते हैं तो इसका रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। नहीं तो आप इसे आंवले के रस के साथ भी ले सकते हैं, या गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, या देसी घी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन दूध के साथ इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा देखा गया है। वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रॉब्लम के लिए इसको ले रहे हैं। अलग अलग बीमारियों में इसका अनुपान अलग अलग होता है, लेकिन जर्नल टॉनिक के लिए अगर आप ले रहे हैं हेल्थ के लिए, तो इसे दूध के साथ लीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मार्केट में बहुत सारे कैप्सूल्स और टैबलेट्स भी इसके अवेलेबल है। तो जो टैबलेट फॉर्म होती है वो होती है एक्सट्रैक्ट फॉर्म, कि अश्वगंधा का पाउडर है, 1 किलो पाउडर में से उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। तो वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी किस मात्रा में निकाल रही है, किस रेशो में निकाल रही है। 1:10, 2:10 निकाल रही है, यानी 10 किलो में से 1 किलो एक्सट्रैक्ट निकाल रही है, मतलब उसकी पोटेंसी 10 गुना बढ़ जाती है। तो अगर आप एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लेना चाहते हैं तो इसकी डोज होगी 500 mg सुबह शाम, 500 मिलीग्राम। चाहे आप वो कैप्सूल फॉर्म में लीजिए या फिर टैबलेट फॉर्म में, 500 मिलीग्राम सुबह शाम की डोज इनफ होगी। और वो भी आप दूध के साथ लीजिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 8 से 10 साल की उम्र से ऊपर के बच्चे सब इसको ले सकते हैं और इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। बड़े बूढ़े सब इसको ले सकते हैं। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, कोई भी और प्रॉब्लम हो तो भी आप इसे ले सकते हैं। इसका किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर आप इसे निश्चित मात्रा में लेते हैं, इसकी हाई डोज ना लें तो। तो दोस्तों, उम्मीद है तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। हम रखें आपका ख्याल।